हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ हम शेयर करते हैं छोटे छोटे से टिप्स। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक ड्राई फ्रूट पैकिंग बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कुछ अलग तरीके की बनी हुई हमारी ड्राई फ्रूट पैकिंग, उसके लिए क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। ड्राई फ्रूट पैकिंग के लिए देखिए हमने जो जो चीजें लिए है वो इससे है। देखिए आइसक्रीम स्टिक लिए हमने, बहुत कॉमन चीजें आइसक्रीम स्टिक, कहीं पे भी मिल जाएगी। जैसे कलरफुल लिए है मैंने इसमें, अगर आपको इस तरह की मिलती है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलर करके, अदरवाइज इस तरह की भी आराम से मिल जाती है कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स। 3D आउटलाइनर हमने इसमें यूज किया है। 3D आउटलाइनर का आपको चाहिए तो इस तरह का आप कोन बना सकते हैं। ओल्ड CD, देखिए एक प्लास्टिक का ओल्ड बॉक्स लिया है मैंने, कोई भी बॉक्स होगा जो अपना प्लास्टिक का रहता है वो बॉक्स मैंने इसमें यूज किया। लटकन, कुछ देखिए फैंसी फ्लावर्स लिए हैं मैंने, ये गोटा के फ्लावर्स हैं, आप किसी भी तरह के फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। स्टोन है ये, एक्रेलिक कलर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते। सबसे पहले देखिए हम ये बॉक्स लेंगे, इसे बॉक्स को हम खोलकर इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए पैकिंग के लिए ना ड्राई फ्रूट बॉक्स, जो ड्राई फ्रूट पैकिंग हम कर रहे हैं इसका हम एक कार्ट बनाएंगे। कार्ट बनाने के लिए हमें ये बेस चाहिए हमारी ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो जो इस तरह का डब्बे हैं वो लेंगे, और ये देखिए उसका ये हम ऊपर का ही ढक्कन अलग कर देंगे और पूरे कॉर्नर्स जो है काट के इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पे हैंडल है इसे भी कटिंग कर दीजिए, और नहीं तो अदरवाइज ये कटर से हम इसे स्मूथ कर देंगे कटिंग करके। ये देखिए कटर से भी आसानी से ये देखिए स्मूथ हो गया है पूरा। इस तरह से पूरे बॉक्स को हम सबसे पहले चारों तरफ से एकदम इकसार और स्मूथ कर लेंगे। पूरे बॉक्स को स्मूथ करने के बाद में देखिए इसे हम पेंट करेंगे। एक्रेलिक पेंट लिया है मैंने, रेड कलर का यूज किया इसमें मैंने, आप कोई भी कलर का ले सकते हो। जैसे स्टिक्स मेरी कलरफुल ली है मैंने तो मल्टी कलर का हम ये पूरा कार्ड बनाएंगे। तो जैसे स्टिक्स मैंने और कलर की ली है तो रेड कलर का इसका हम बॉक्स बना लेंगे। बहुत सिंपल है, नॉर्मल कलर करना हमें, पूरे प्लास्टिक को हम कवर कर देंगे। और अगर कहीं से ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है प्लास्टिक तो हम इस पर डबल कोट भी कर सकते हैं। अच्छे से हम कलर लेके करेंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से हमने खूब अच्छे से कलर लिया है। इसमें हम बाहर साइड कलर नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर के साइड कलर करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से हम कलर इस पर लगा लेंगे सबसे पहले तो। और कलर लगाने के बाद में देखिए ब्रशेस के निशान नहीं दिखे इसके लिए स्पंज का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। पहले भी मैंने आपको बताया था नॉर्मल कोई भी स्पंज होगा उससे हम डैप करेंगे तो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए इस तरह का स्पंज रोलर भी आता है, अगर आपके पास में ये हो तो भी चल जाएगा, और अदरवाइज नॉर्मल स्पंज से भी हम इस पर कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ सिंपल रोल करना है इसे। अच्छे से हम कॉर्नर भी कर लेंगे, कॉर्नर पे हम इस तरह से डैप कर सकते हैं और अंदर देखिए हम इस तरह से पूरा रोल कर सकते हैं। ये देखिए पूरा स्मूथ हो गया अंदर का, आप देख रहे हैं एकदम दानेदार स्मूथनेस आ गई है। सूखने के बाद में ये और भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम पूरा अंदर की तरफ ही इसमें पेंट करेंगे, बाहर नहीं पेंट करना है हमें, सिर्फ अंदर की तरफ ही पेंट करना है। ये देखिए हमारा बॉक्स पूरा पेंट अंदर से हो गया है। जिस तरह से हमने बॉक्स पेंट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें हमारी सीढ़ी को पेंट करना है, आगे और पीछे दोनों तरफ से हमें इसे पेंट करना है। एकदम वही सिंपल तरीका है, पूरे पे हमें कलर स्प्रेड करना है।
अच्छे से हम कलर कोट कर लेंगे। ये देखिए पूरा कलर होने के बाद में रोलर लेके हमें सिंपल से बस रोलर को घुमाना है। ये देखिए आप देख रहे पूरा स्मूथ हो गया। इस तरह से हमारी दो सीढ़ी हमने ली है, दोनों सीढ़ी को हमें पेंट करना है और सुखाना है। खूब अच्छे से सूखने के बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं पूरा स्मूथ एकदम किस तरह दानेदार हो गया स्पंज से। ऐसा रोलर नहीं है तो नॉर्मल स्पंज से भी आप डैब करके इसे बना सकते हैं। देखिए हमारे सीढ़ी पे और बॉक्स पे सब पे कलर होके सूख गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये सीढ़ी डेकोरेट करेंगे। देखिये ये हमारी कार्ड का व्हील है, पहिया बना रहे हैं इसे, तो देखिये अलग तरीके से थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट करेंगे। इस बार हम इसमें डायमंड चेन या ये सब यूज नहीं करें, इस बार देखिए 3D आउटलाइनर यूज करें। जो मैंने आपको 3D आउटलाइनर बताया था इसे मैंने कोन में डाल लिया है ताकि मुझे लगाने में इजी हो जाए इसलिए। और इसका कोई भी डिजाइन, जो भी डिजाइन आपके दिमाग में आ रहा हो व्हील का, वो डिजाइन आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा डिजाइन बना के दिखा रही हूँ, छोटा सा। अगर आप डायरेक्ट 3D आउटलाइनर के डब्बे से कर सकते हैं तो आप उस बॉटल से भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा अनकंफर्ट रहता है इसलिए मैंने कोन में डाल दिया इसे। कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ व्हील बनाने के लिए अच्छा लगेगा, हमें जिसका पहिया बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और 3D आउटलाइनर को अच्छे से सूखने का इंतजार करें, खूब अच्छे से सूखने दें से। सूखने के बाद में ये पूरा बिल्कुल ऐसे कैसा ही लगेगा, नहीं तो हाथ लगने से ही खराब भी हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल सा डिजाइन ये एक मैं बना रही हूँ। इस तरह से पूरा लाइनिंग दे देंगे, कॉर्नर पे हम बॉर्डर दे देंगे, इस तरह से हम इसे पूरे व्हील को डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए इस पे कॉर्नर पे भी मैंने इस तरह का सर्कल बना दिया है। अब देखिए बहुत सिंपल सा कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह का, पूरे में से हम चारों तरफ करेंगे। फिर अगेन हम एक और सर्कल बना लेंगे और उसके बाद उसमें भी इसी तरह का कोई एक डिजाइन डाल देंगे। ऑलमोस्ट हमारा व्हील होने में आ गया है, आप देख रहे हैं ये जो बनाया हमने उसी तरीके से। अब देखिए सेंटर में इस तरह से हम डबल लाइन कर लेंगे। कोई भी डिजाइन आप दे सकते हैं इसके अंदर, कैसा भी डिजाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे पूरे इस पे कंप्लीट करके इस तरह से रेडी कर लेंगे और खूब अच्छे से सुखा लेंगे। जब तक हमारे व्हील सूखते हैं, आइए स्टिक से अब हम कार्ड का बेस और तैयार कर लेते हैं। बेस हमने बना लिया, ऊपर का हम तैयार करेंगे जाली। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक पेपर पे जिससे हमने हल्की मार्किंग ले रखी है ताकि हमारी स्टिक सीधी रहे। ये देखिए दो स्टिक हमको ऐसे लगानी है खड़े में, ठीक है। ये मैंने मार्किंग इसलिए ली है ताकि आगे पीछे नहीं हो और हमारी जो हम स्टिक चिपकाएं वो एकदम प्रॉपर चिपक जाए। और देखिए इस तरह से हम तीन स्टिक को आपस में यहाँ इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिल गया है। अब चाहिए तो हम इस पर मार्किंग भी कर सकते हैं जैसे हम पेंसिल से कर लेते हैं, तो एक अंदाजा बैठ जाएगा।
इसलिए हमें यहीं चिपकानी है। देखिए इस तरीके से मार्किंग कर ली अब मैंने। अब हम सबसे पहले वाली स्टिक चिपकाते हैं। बस ध्यान रहे फर्स्ट वाली चिपकाते समय, देखिए मेरा फिर हिल गया। यही ध्यान रखना है कि ये अगर हिल जा रहा है, मैस हो जा रहा है, तो उसे प्रॉपर हमें ठीक रखना है, क्योंकि जो अगर ये फर्स्ट वाली स्टिक हमारी प्रॉपर चिपक गई तो बाकी का आड़ा टेढ़ा नहीं होएगा हमारा। सिंपल ग्लू लगाना है और फर्स्ट स्टिक हमारी चिपका देंगे। देखिए हमने मार्किंग ली है, वो मार्किंग का अंदाजे से हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। लगाने के बाद अगर लग रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर देंगे, देखिए गीले में ही मैनेज कर लेंगे इसे। ऑलमोस्ट हमारी प्रॉपर लग गई, सही जगह पे लग गई। बेस स्टिक को हम पकड़ के बाकी की स्टिक पे अरेंज कर लेंगे। ये हमारे कार्ट के साइड के हम खड़े कर रहे हैं, जाली जो होती है ना साइड की, वो खड़ी हो रही है हमारी बनेगी, जो हम खड़ा करेंगे कार्ट के साइड पे। मार्किंग लेने से एक फायदा, देखिए हल्का हिल भी रहा है तो हम तुरंत उसे एडजस्ट करके वापस प्रॉपर कर रहे हैं। और जाली है कार्ट बना रहे, थोड़ी भी अगर आगे पीछे हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए हमारी चिपक के रेडी हो गई। इस तरह से हम दोनों साइड की काट के दो ये तैयार करेंगे। इसे करने के बाद में हम सबसे पहले आप काट को रेडी करना शुरू करते हैं। अब सब प्लास्टिक का बॉक्स हमारा जो है हमने पेंट किया था वो लेंगे और उसके साइड में हम सबसे पहले हमारी ये स्टिक चिपका देंगे इस तरीके से। देखिए दिख रहे इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिक लगा देंगे, अच्छे से ग्लू लगाकर। मैं स्टिक को देखिए इस तरीके से हम इसे अंदाजे से हमने थोड़ी थोड़ी सी बाहर छोड़ी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। गरम है ग्लू। साइड चिपकाने के बाद में देखिए हमारे कार्ड के इस तरफ से हमने जो ये जाली बनाई थी कार्ड की वो लगाएंगे हम। बहुत ही सिंपल है, जो है हमारी ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है और ये जो हमारे साइड का बॉक्स का जो साइड है उसके देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे। अंदाजा ये वाली स्टिक जो है वो स्टिक हमारी ये हमारे बॉक्स पर आनी चाहिए, बॉक्स के साइड पर आनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो हमने ग्लू लगाना है खाली यहाँ दो पॉइंट पर और फिर यहाँ लगाकर इसे चिपका देना है आपस में। ठीक है ये देखिए इस तरफ भी लगा देंगे हम इसे। एकदम अच्छे से खूब गरम ग्लू लेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और खूब अच्छे से मजबूत बन जाएगा ये। ये देखिए अब देख रहे देखिए बेसिक कार्ड का हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब इस पर हम व्हील लगाएंगे और अदर डेकोरेशंस पर हम करेंगे। ये चिपकने के बाद में हम व्हील लगाएंगे। व्हील लगाने के लिए देखिए ये देखिए इस तरीके से हम इस पर व्हील लगाएंगे। ये जो हमारा दो स्टिक है उस पर व्हील लगेगी इस तरीके से। ये देखिए
इसके आप इस तरह पकड़कर मार्किंग ले लें ताकि हमें पता चल जाए ग्लू हमें कहाँ तक लगाना है। आप देख रहे हैं मैंने इसे मार्किंग ले रखी है हल्की सी, ठीक है। अब बस उसी हिस्से में हम ग्लू लगाएंगे अच्छे से। और ये हमारे व्हील को हम ये देखिए लगा देंगे इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी व्हील लगा देंगे। ये देखिए इसका व्हील लग गया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम व्हील लगा देंगे। ये देखिए हमारी कार्ट पर व्हील लग गया दोनों तरफ से। अब देखिए हमारी कार्ट इस तरह गोल गोल घूम रही है, अब इसे सपोर्ट की जरूरत है। तो देखिए हमने सपोर्ट के लिए इस तरह से एक डब्बी थी उसको पेंट करके रखा हुआ है, वो हम इसमें यूज करेंगे। और देखिए थोड़ी सी हम इसे इस तरह से टेढ़ी रखेंगे, तो जो डब्बी है वो हम हल्की सी ऐसी या कोई भी स्टैंड जो लेंगे वो, ताकि हमारी कार्ट आगे थोड़ी झुक जाए। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर झुका देंगे, हल्की सी टेढ़ी कर देंगे, उतनी ही लेंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं करेंगे, हल्की सी स्लांट, और इसे डब्बियों को हम चिपका देंगे। ये देखिए हमारा स्टैंड लगकर रेडी हो गया है, एकदम कॉर्नर पे हमने स्टैंड लगाया है, देखिए। अब देखिए ये हमारी कार्ट स्टैंड हो गई। ये कार्ट एकदम मजबूत कार्ट है, देखिए अच्छे से वेट ले सकती है आप, हाफ के जी तक का भी वेट इसमें डालेंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगी ये, क्योंकि हमने अच्छे से स्टैंड दिए। ये जो स्टैंड दें आप ये थोड़ा मजबूत लें, इसे एकदम हल्का नहीं लें, ये थोड़ा मजबूत लें, ठीक है। अब हम आगे का डेकोरेशन करते हैं। आगे देखिए स्टिक और लगा देते हैं प्रॉपर कार्ट का लुक देने के लिए। देखिए इस तरीके से हम ये दो स्टिक को आगे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरफ भी लगा देंगे। थोड़ा वेट करेंगे सूखने का, सूखने का हम वेट करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से हम साइड में यहाँ भी लगा देंगे। जब तक हमारी स्टिक सूख रही है हम अदर डेकोरेशन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह के हमने जो फ्लावर लिए थे इस पर हम ये स्टोन लगा लेते हैं, थोड़ा शाइन आ जाएगी इसमें। सब फ्लावर पे हम एक एक इस तरह से स्टोन लगा देंगे। देखिए ये सब एक्स्ट्रा डेकोरेशन, आप किसी भी तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आप चाहें वैसे। जिस ओकेजन पे आप ड्राई फ्रूट दे रहे हैं उस तरह से कर दीजिएगा। जैसे ये वेडिंग पे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें गोटे के फूल लटकन ऐसे लगा रखी है सब चीजें। या आप इसे फ्लावर वगैरह जो होते हैं उससे भी लगा सकते हैं, फोम फ्लावर वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसे पूरा सजाना चाहेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे फ्लावर्स पे स्टोन लगा लेंगे, जो बड़ा फ्लावर है उसमें भी हम सेंटर पे स्टोन लगा लेंगे। चलिए अब इसे डेकोरेट करते हैं। हमारा एक्स्ट्रा डेकोरेशन रेडी हो गया है। देखिए अभी जो लटकन ली थी इससे देखिए हम उसके कार्ट पर इस तरीके से इसे लगा देंगे आगे की तरफ। ग्लू की हेल्प ले लेंगे हम। ध्यान से लगाइएगा, ग्लू गर्म होता है। ये देखिए इस तरह से लग गई हमारी। इस पर हम ग्लू लगाकर ये फ्लावर लगा देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए। ये डेकोरेशन की बात है, आप किसी भी तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए इसे भी इस तरह से हम लगा देंगे, और जगह जगह हम इसे फ्लावर लगाकर पूरा डेकोरेट कर देंगे। लटकन लगने के बाद में देखिए ये जो साइड का हिस्सा है, साइड में जो हमारे जॉइंट्स हैं, हम वहां पे भी इस पर फ्लावर लगा सकते हैं हमारे। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हम पूरी कार्ट के फ्लावर लगाकर इसे पूरा डेकोरेट कर देंगे। देखिए हमारी कार्ट रेडी हो गई है पूरी। इसी तरह से हम जितनी चाहे उतनी कार्ट बना सकते हैं।
अलग अलग ड्राई फ्रूट रखने के लिए हम 4 से 5 कार्ड बनाकर वहाँ इस तरह लाइन से लगाएं, या इस तरह कार्ड का पूरा काफिला हम लगाएं तो भी बहुत सुंदर लगेगा। अब इसमें देखिए ड्राई फ्रूट्स कैसे रखना है, अब आप चाहें तो पैकेट्स के पैकेट्स भी अपने ड्राई फ्रूट्स के रख सकते हैं, या अदरवाइज देखिए हमारी जो ये पोटली होती है, ये देखिए इस तरह की उसमें पोटली में हम भर के देते हैं, इसमें भी पैकेट रखना चाहें, और अगर आप ओपन रखना चाहें तो ये देखिए इस तरह गोनी जैसा आप बना दें, इसे पूरा गोल गोल टर्न करके, देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं, और इस गोनी को हम हमारी कार्ड पर इस तरह से लाद सकते हैं। देखिए वजन देख रहे हैं आप, आराम से सेंड करिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी टूटेगी ये देखिए। और ये हमारी ड्राई फ्रूट की, स्पेशली ड्राई फ्रूट की पैकिंग रेडी हुई है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि मैंने ड्राई फ्रूट पैकिंग कोई नहीं बताई है अलग से, तो देखिए वेडिंग के लिए या और अदर फंक्शन के लिए हमारी ड्राई फ्रूट पैकिंग रेडी है। इस तरह की आप ढेरों कार्ड बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।